हैप्पी रक्षाबंधन। भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन हर एक बहनों के लिए बेहद खुशी का दिन होता है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन को लेकर। जी हाँ, आज ये बात करेंगे हम लोग कि रक्षाबंधन कब है और कब बांधनी चाहिए। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन में भद्रकाल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए और राखी बांधने का क्या है सही समय। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि हर साल राखी, जिसे रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है, भाई बहन के प्यार और बंधन को समर्पित है ये दिन। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधना एक महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर कोई इस समय राखी बांधता है तो क्या होगा? प्रसिद्ध ज्योतिष ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। बताते हैं कि राखी कब बांधेंगे। इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भद्रकाल के अनुसार माना जाता है कि इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं की जाती है। भद्रकाल का समय अशुभ माना जाता है। इस दौरान शादी, मुंडन, राखी बांधने जैसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जाते। इसे अशुभ प्रभाव पड़ेगा और काम में रुकावटें भी आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का प्रकोप रहेगा। भद्रकाल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। इस दौरान राखी बांधना वर्जित है। अगर कोई भद्रकाल में राखी बांधता है तो उसे अशुभ परिणाम मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार भद्रकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में दरार आ सकती है, साथ ही इस कृत्य के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं और भाई बहन के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधने का कब है शुभ समय? भद्रकाल समाप्त होने के बाद दोपहर 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन शुभ समय शुरू होता है। यह समय राखी बांधने के लिए सबसे अच्छा है। इस समय में राखी बांधने से शुभ परिणाम मिलेंगे और भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।